बैक टू माई चैनल। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटिशियन कोर्स का क्लास 2। आज का हमारा टॉपिक है फेशियल क्या है। सही बात है फ्रेंड, फेशियल है क्या, फेशियल क्यों करते हैं, फेशियल की थ्योरी स्टेप बाय स्टेप हम आपको नोट कराएंगे। आज अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देंगे। सो फ्रेंड चलिए हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। तो फेशियल को करने में कितना टाइम जाता है, तो फेशियल को करने में 55 से 60 मिनट लगते हैं, लगभग 1 आवर लगते हैं। इसको कितना दिनों में कराना चाहिए फ्रेंड, तो इसको 25 से 30 दिनों के बीच में करा लेना चाहिए। 22 ईयर के ऊपर के लोग ही करा सकते हैं फ्रेंड, 22 ईयर से स्टार्ट होता है। स्किन में अपलिफ्टिंग का प्रोसेस ही फेशियल कहलाता है। फेशियल क्यों करते हैं फ्रेंड, फेशियल ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए करते हैं, फॉर शाइन एंड ग्लॉस लाने के लिए करते हैं। स्किन में शाइन आ जाता है और ग्लॉसी दिखता है। ड्राइनेस एंड फेस प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए करते हैं फ्रेंड। जो हमारी स्किन की ड्राइनेस होती है, जो स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे स्किन पिगमेंटेशन हुआ, डार्क सर्कल हुए, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं फ्रेंड, उसको हटाने के लिए करते हैं। अपलिफ्टिंग देने के लिए करते हैं, जिससे स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करता है। फ्रेंड अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब मैं बता क्या रही हूँ। फ्रेंड पहले आप नोट कर दीजिए, इसका प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप हम खुद कराएंगे। नॉर्मल स्किन के लिए फेशियल का प्रोसेस मैं आपको नोट करा रही हूँ। नॉर्मल स्किन का प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड, पहले तो हम क्लाइंट से कंसीलिंग करते हैं। क्लाइंट आते हैं तो सबसे पहले तो क्लाइंट से हम बातचीत करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि कौन सा फेशियल कराना है। पर या तो आप लेटा के फेशियल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप बैठा के, आप कैसे भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो ट्रॉली सेटिंग करते हैं, सबसे पहले तो हम ट्रॉली सेटिंग करते हैं। ट्रॉली सेटिंग में हमको चाहिए होता है क्लिंजिंग यानी क्लिंजर, टोनर, क्रीम मसाज, जेल, SPF, ब्लैकेट स्पिन, जो भी हमारे फेशियल में यूज होते हैं फ्रेंड वो हमको चाहिए होता है। फ्रेंड आप कंफ्यूज होंगे कि फेशियल कौन सा यूज करते हैं, सारे फेशियल के तो प्रोसेस अलग अलग होते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये नॉर्मल फेशियल है, ये नॉर्मल फेशियल के हम प्रोसेस बता रहे हैं, सारे फेशियल के प्रोसेस अलग अलग होते हैं। तो मैं बहुत सारे फेशियल के प्रोसेस आपको बताऊँगी, जैसे O3 हुआ, BLCC हुआ, लैक्मी हुआ, बहुत सारे किट आती हैं। सारे किटों का हम बताएंगे कि कौन सा फेशियल कैसे करते हैं। कुछ ब्राइडल फेशियल होते हैं, स्किन लाइटनिंग होती है, स्किन टाइटनिंग होती है, बहुत सारे ऐसे फेशियल होते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले तो हम क्लाइंट को कल चिलिंग करेंगे, उसके बाद ट्रॉली सेटिंग करेंगे, ट्रॉली सेटिंग के बाद टॉवल रैपिंग करेंगे। जो भी क्लाइंट रहते हैं उसके ऊपर हम टॉवल रैपिंग करेंगे, उनको बिठा के, उनके कपड़ों में क्रीम या फिर क्लिंजर जो भी हम कर रहे हैं कोई क्रीम लगे नहीं। फेस को हम क्लीन करते हैं, क्लीन फेस विथ नॉर्मल वाटर, हम नॉर्मल वाटर से फेस को क्लीन करते हैं। बट क्लाइंट को हम रिलैक्स करने के लिए छोड़ देते हैं 5 से 7 मिनट। क्लिंजर हम 2 से 3 मिनट करते हैं फ्रेंड, 2 से 3 मिनट करने के बाद हम फेस से रिमूव कर देते हैं। क्लिंजर करने के बाद हम टोनिंग करते हैं। एक बार टोनिंग हम इसलिए करते हैं फ्रेंड क्योंकि क्लिंजर करने के बाद जो हमारे फेस के पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो टोनर से फेस को हम क्लोज करते हैं, पोर्स हमारे क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद हम फेस पे स्क्रब करते हैं, फेस पे स्क्रब हम 5 से 7 मिनट तक करते हैं। नॉर्मली स्क्रब 5 से 7 मिनट ही किया जाता है क्योंकि स्क्रब के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो किसी किसी स्क्रब का काफ़ी बड़ा होता है और किसी किसी स्क्रब के काफ़ी माइल्ड होते हैं। जैसे O3 हुआ, O3 में स्क्रब नहीं, स्क्रब की जगह पर पील होता है, उसके जो क्यूटिकल्स होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं। तो 5 से 7 मिनट करने के बाद हम फेस से रिमूव कर देंगे। स्क्रब रिमूव करने के बाद फ्रेंड हम स्टीम देंगे। बहुत सारे ऐसे पार्लर में आपने देखा होगा कि स्क्रब के साथ ही स्टीम दिया जाता है फ्रेंड, तो स्किन में कभी कभी हार्मफुल भी कर सकता है। स्टीम इसलिए देते हैं ताकि हमारे स्किन की पोर्स ओपन हो सके, और जब स्किन की पोर्स ओपन होती है तो आप स्क्रब करेंगे तो वो प्रॉब्लम करता है, वो बहुत स्किन के पोर्स के अंदर तक जाता है, फिर वो स्किन में हार्मफुल करता है फ्रेंड। तो स्क्रब रिमूव करने के बाद ही आपको स्टीम देना है फेस को। तो फ्रेंड जो हमारी स्किन होती है, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, ये तीनों में अलग अलग टाइम लगता है। तो स्टीम हम नॉर्मल स्किन पे 3 से 5 मिनट देंगे, यानी 3 से 5 मिनट तक हम स्टीम देंगे। जो ड्राई स्किन होती है इसमें 2 से 3 मिनट स्टीम देंगे, और ऑयली स्किन पे 5 से 7 मिनट स्टीम देंगे। इतने मिनट में हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके नोज पे ब्लैकेट्स, व्हाइटनर्स होते हैं, तो उनके फेस से हम ब्लैकेट्स रिमूव कर लेते हैं। आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि हम ब्लैकेट्स निकालेंगे कैसे फ्रेंड, तो ये ब्लैकेट्स भी ना
इस एरिया ये जो एरिया है इससे हम ब्लैकेट्स निकालते हैं। जैसे न्यू नोज एरिया है तो इसको ऐसे पुश करके ब्लैक नोज पे ऐसे हम पुश करके इसको ऐसे ऐसे करके निकालेंगे तो इससे हमारे ब्लैकेट्स हुए वाइटेट्स हुए रिमूव हो जाते। ब्लैकेट्स रिमूव करने के बाद फ्रेंड हम कोल्ड कॉम्प्रेशन करेंगे, ठंडे पानी से फेस को रिमूव करेंगे। ठंडे पानी से फेस रिमूव इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे पोर्स होते हैं जो फेस के पोर्स ओपन हुए हैं वो क्लोज हो जाएं। उसके बाद फ्रेंड हम जेल मसाज देते हैं, फेस पे जेल मसाज देते हैं 5 से 7 मिनट। आप याद रखें कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हम क्रीम का मसाज पहले देंगे और जेल का बाद में देते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो जेल का मसाज पहले देंगे और क्रीम का मसाज बाद में देंगे। तो ये हम फेशियल नॉर्मल स्किन के लिए कर रहे हैं। देखिए ये फेशियल हम नॉर्मल स्किन के लिए कर रहे हैं इसलिए हम जेल का मसाज पहले दे रहे हैं और क्रीम का मसाज बाद में दे रहे हैं। तो फ्रेंड जेल का मसाज आप 5 से 7 मिनट तक दे सकते हैं। जेल का मसाज हमको 5 से 7 मिनट देना है, उसके बाद फेस को रिमूव कर लेना है। फेस को रिमूव करने के बाद हमको क्रीम का मसाज देना है फ्रेंड 15 मिनट तक। क्रीम की मसाज फेस को हमारे बॉडी को हमको बहुत रिलैक्स फील होता है, अपलिफ्टिंग देता है। क्रीम मसाज को रिमूव कर देना है फ्रेंड क्योंकि हमारे स्किन में जितनी जो भी हमको क्रीम चाहिए होता है जेल चाहिए होता है वो स्किन अब्जॉर्ब कर लेती है। इसके वजह से हमको रिमूव कर लेना है फेस से 15 मिनट के बाद। हमको फेस से मसाज क्रीम को रिमूव कर लेना है, उसके बाद पैक अप्लीकेशन करना है। लगाने के बाद फ्रेंड हम सेमी ड्राई पोजीशन करेंगे। पैक सूख जाने के बाद पैक को हम निकाल देंगे। फ्रेंड अगर दिन टाइम आप फेशियल कर रहे हैं तो फेस पे SPF लगाइए। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्ट फैक्टर। मॉइस्चराइजर आप नाइट में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा फेशियल का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हम आपको बताएंगे मसाज के स्टेप बाय स्टेप होते हैं। फ्रेंड आप अभी इसको नोट कर लीजिए और जो मसाज की स्टेप है उसको भी आप नोट कर लीजिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल के साथ आपको बताएंगे। आप नोट किए रहेंगे तो आपके माइंड में ज़्यादा बहुत जल्दी जाएगा फ्रेंड। सो फ्रेंड आ गए हैं हम अपने क्रीम मसाज के स्टेप पे। रिपीट ऑल स्टेप 3 टाइप। हर एक स्टेप को आपको 3 बार करना है और जो जनरल स्टेप होते हैं जनरल एप्लीकेशन होते हैं उसको 2 टाइप करना है फ्रेंड। तो ये हमारे पार्ट और ये स्टेप। ये फेस के पार्ट जैसे नेक हुआ, ज्वा लाइन हुआ, चिन हुआ, लिप्स हुआ, लॉफ लाइन हुआ, नोज हुआ, आईब्रो हुआ, आई हुआ, फोरहेड हुआ, नेक हुआ, इन पे कौन कौन से कैसे कैसे हैंड चलाना है, कैसे स्टेप करने हैं फ्रेंड इस चलिए आइए बताती हूँ आपको। जो नेक होता है फ्रेंड नेक पे हमको डविंग हॉट पॉइंट बनाना है। अभी आपको फिलहाल में समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन फ्रेंड आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जब मैं ये थ्योरी नोट करा रही हूँ अब जब प्रैक्टिकल कराऊँगी तो आपको समझ में आएगा। उस टाइम नेक पे बिग हॉप मोड करते हैं, फिर डविंग करते हैं, फिर स्मॉल सर्कल बनाते हैं फ्रेंड, छोटा छोटा जैसे ऐसे करके स्मॉल सर्कल बनाते हैं फ्रेंड। उस पे जो नेक होता है उस पे अपलिफ्टिंग देते हैं, साइड नेक प्रेसिंग, शोल्डर प्रेसिंग फ्रेंड। जो इतने प्रोसेस कर लेंगे आप तो जनरल एप्लीकेशन करेंगे यानी जो क्रीम होता है फेस पे मिलाना है। ये ज्वा लाइन पे करना है सीजर स्ट्रोक, क्रिस क्रॉस, थम प्रेसिंग, अपलिफ्टिंग, पंचिंग, वाइब्रेशन। फिर आपको फ्रेंड जनरल एप्लीकेशन करना है। फिर चिन के जो प्रोसेस होते हैं चिन के जो स्टेप होते हैं उस पर करना है क्रिस क्रॉस, थम प्रेसिंग। फिर आपको फ्रेंड जनरल एप्लीकेशन करना है। उसके बाद आपको लिप्स का प्रोसेस स्टार्ट करना है। लिप का जो स्टेप होता है लिप के स्टेप में होते हैं स्मॉल सर्कल, ऑल राउंड माउथ, जो आपके मुख होते हैं उसके चारों तरफ छोटा छोटा सर्कल बनाना है, क्रिस क्रॉस करना है, प्रेसिंग फॉर पॉइंट साइड जो लिप्स के साइड होते हैं उस पर प्रेसिंग करना है, स्लाइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेसिंग। फिर आपको फ्रेंड जनरल एप्लीकेशन करना है। जो लॉफ लाइन होता है उस पर 1 to 8 फिंगर यानी जो हमारे 8 फिंगर होते हैं ये 4 हो गए और राइट हैंड के 4 वहाँ से 8 फिंगर तक आपको लिफ्ट करना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन आप नोट कर लीजिए फ्रेंड। और स्मॉल सर्कल बनाना है, स्मॉल सर्कल बनाना है, स्लाइड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, वाइब्रेट।
फ्रेंड फिर आपको जनरल एप्लीकेशन करना है, उसके बाद नोज पे आपको स्टेप करना है। नोज पे अपलिफ्टिंग होता है, एस एन एट बनता है, क्रिस क्रॉस, सीजर स्टॉक, स्मॉल सर्कल, साइड नोज विथ फ्रेसिंग पॉइंट। देखिए फ्रेंड, हमारे फेस के जितने भी पॉइंट होते हैं सब पे प्रेसिंग होता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम आपको फेशियल करके अपने हैंड से बताएंगे तो आपको प्रेशर पॉइंट समझ में आएगा। नोज का जो स्टेप होता है उसको कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड, जितने भी स्टेप है कंप्लीट करने के बाद आपको जनरल अप्लीकेशन करना है। उसके बाद आईब्रो के जो प्रोसेस होते हैं, जो स्टेप होते हैं, आईब्रो पे हमको अपलिफ्टिंग करना होता है, पिंचिंग करना होता है, ब्रो बोन प्रेसिंग करना होता है। जो ब्रो बोन प्रेसिंग पॉइंट, जो आँखों के नीचे जो आईब्रो होता है उसके साइड में जो हम प्रेसिंग करते हैं फ्रेंड, वो वही है। फिर इसमें हम बिग सर्कल बनाते हैं, स्मॉल सर्कल बनाते हैं, आई बॉल रोलेशन, एस एन एंड फेदर टच एंड वाइब्रेशन। फिर आपको फ्रेंड जनरल एप्लीकेशन करना है, और आई के हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं फ्रेंड, जो स्टेप होते हैं आई के। आई पे हम बिग सर्कल बनाते हैं, स्मॉल सर्कल बनाते हैं, आई बॉल रोलेशन, एस एन एट फेदर टच, फिर वाइब्रेशन। हमको आई पे वाइब्रेशन करना होता है। वाइब्रेट जब होता है तो हमारे आई को बहुत ही ज़्यादा एक्स मिलता है। फिर आपको फ्रेंड जनरल एप्लीकेशन करना है, फोरहेड पे आपको अपलिफ्टिंग करना है, स्मॉल सर्कल बनाना है, क्रिस क्रॉस, सीजर स्टॉक, वर्टिकल एस एन आर, हॉरिजॉन्टल एस एन एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज फ्रेंड। उसके बाद फिर आपको जनरल एप्लीकेशन करना है। उसके बाद जो चिक होता है, चिक के स्टेप होते हैं अपलिफ्टिंग, क्लॉक टच, स्टॉक, स्मॉल सर्कल बनाना है, पिंचिंग, वाइब्रेशन, फेदर टच, फिंगर प्रेसिंग, ऑल प्रेसिंग पॉइंट, फुल फेस वाइब्रेट, फुल फेस फेदर टच। फ्रेंड हमारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल जरूर दूंगी फ्रेंड। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो फ्रेंड तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।